आज मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। काफी दिनों से मैं सोच रहा था जो मेरा सबसे बड़ा डर है वो मेरा डर सच ना हो जाए, मेरे लोग नाराज ना हो जाए। जो आप व्यूअर्स देख रहे हो, रेडमी नोट 7 से इतनी बड़ी आश रख के बैठे थे, वो लोग नाराश ना हो जाए। एंड रेडमी ने वही काम करा जिसका मेरे को सबसे बड़ा डर था। उन्होंने रेडमी नोट 7 एंड रेडमी नोट 7 प्रो के स्पेक्स चेंज कर दिए। अभी ये न्यूज़ 100% कंफर्म नहीं है, बट जितने भी ट्रस्टेड सोर्स होते हैं उन्होंने अगर बोल दिया इस चीज़ का कलर ये आने वाला है तो वही कलर निकलता है उस चीज़ का। वैसे लोगों ने ये बात अभी क्लियर कर दी है, काफ़ी यूट्यूबर्स एंड काफ़ी ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं लोग, एंड काफ़ी जगह पे एक बात फैली हुई है कि हमें रेडमी नोट 7 इंडिया में जो आएगा उसमें स्नैपड्रैगन 336 देखने वाला होएगा, जो कि सेम प्रोसेसर हमारे रेडमी नोट 5 प्रो में था, रेडमी नोट 6 प्रो में था, एंड अभी सेम प्रोसेसर हमें वो रेडमी नोट 7 में देखने को मिलेगा जो कि होएगा स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर। बट हुआ क्या है, किसी बंदे ने ट्वीट करा था कि आपके Redmi Note 7 में हमें 636 मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूं मेरे वाले Redmi Note 7 की। इसमें हमें जो चाइना में Redmi Note 7 लॉन्च हुआ है इसमें हमें मिल रहा है Snapdragon का 660 प्रोसेसर। याद रखिएगा, अभी Snapdragon का 660 प्रोसेसर मिल रहा है, एंड यही बात हुई थी कि इंडिया में भी 660 लॉन्च होएगा इस बजट में, और लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और यही हाइप बन रखी थी इसके लिए। एंड और भी इसमें कुछ खास नहीं है, एक प्रोसेसर खास था और इसमें हम क्या खास मिलेगा हमें, बाकी सब कुछ सेम है। रैम भी हमें बाकी फोन्स में मिल रही है, सब कुछ बाकी फोन्स वाला ही है इसमें, और उसमें है ही नहीं कुछ खास। जो रियलमी दे रहा है वही ये दे रहा है, हमें सिर्फ एक प्रोसेसर और इसके कैमरे की बात थी, यही बात थी, और तो इसमें कुछ मेजर पॉइंट है ही नहीं। डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन और फोन्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं आजकल। बट जो MI ने हमारे इंडिया में भी फोन निकाल रहे हैं Redmi, उन्होंने यही फैक्टर इसमें रिमूव कर दिया। उन्होंने क्या करा है, स्नैपड्रैगन का 636 नहीं दिया। बहुत लोग बोल रहे हैं इसमें 636 आएगा, एंड ट्विटर भरा पड़ा है, अगर आप खोलोगे ट्विटर भरा ही पड़ा है, सब लोग बोल रहे हैं 636 आएगा, बट नहीं, इसमें 625 आएगा। 625 वही प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का जो कि Redmi Note 4 में आया था, Redmi Note 5 में नहीं, Redmi Note 4 में आया था आज से 2 साल पहले। Redmi Note 4 में जो प्रोसेसर आया था, 2 भी 3 साल पहले में भी है ना, वो सेम प्रोसेसर हमें Redmi Note 7 में देखा। वो प्रोसेसर बुरा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा वो प्रोसेसर बुरा है, प्रोसेसर ही बहुत अच्छा है। वो मेरे को कैसे बात पता लगी, किसी बंदे ने ट्वीट करा था कि Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro, एंड मैं बताऊँ Redmi Note 7 Pro भी 28 तारीख को ही आ रहा है अकॉर्डिंग टू रूमर्स। मैं सब भी बार बार बोल रहा हूँ, ये बात कंफर्म नहीं है, अभी 99% श्योर है, 1% अभी भी डाउट हो सकता है इस बात को, बट काफी हद तक ये बात हो चुकी है कि Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro आएगा। मैं सभी डिटेल आपको क्लियर करता हूँ। Redmi Note जो हमारा 7 आएगा उसमें हमें 625 प्रोसेसर मिलेगा, Redmi Note 4 वाला प्रोसेसर काफी अच्छा है, वो प्रोसेसर बुरा नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता प्रोसेसर बुरा है, वो प्रोसेसर काफी अच्छा है वो, बट 660 के मुकाबले कहीं नहीं स्टैंड करेगा वो, 660 का अगर मुकाबला कहीं नहीं स्टैंड करेगा। एंड अदर फैक्टर इसका कैमरा, जो उसकी लीक्स निकला है, मनु कुमार जैन ने ऐसे DP लगा रखी है अपनी फोटोज के, एंड काफी उसके और भी जो इसके टेस्टर है, बीटा टेस्टर्स जो MI सेलेक्ट करते हैं, उन्होंने भी अपनी फोटो डाल रखी है इस फोन के साथ अलग अलग पोजिस के साथ। उस फोटो में अगर आप जूम करोगे आपको पता लगता है कि यहाँ पे ना एक ब्रांडिंग है, छोटी सी ब्रांडिंग लिखी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा, वहाँ पे 48 मेगापिक्सल है ही नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे AI कैमरा मिलेगा आपको बट 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं हुआ। एंड मैंने क्वालकॉम की वेबसाइट शान मारी सारी, क्वालकॉम वो मैन्युफैक्चरर होता है जो स्नैपड्रैगन को बनाता है, उसका जो मालिक है वो क्वालकॉम वाले हैं, मैंने क्वालकॉम की सारी वेबसाइट शान मारी, मेरे को कहीं नहीं मिला जहां पे लिखा हो 625 सैमसंग के हमारे आइसोसेल को सपोर्ट करता हो। आइसोसेल यही सेंसर है जो हमें रेडमी नोट 7 प्रो में मिलेगा, जिससे हमें इसमें 48 मेगापिक्सल की सपोर्ट मिलेगी, इट मीन्स उसमें हमें 48 मेगापिक्सल की सपोर्ट नहीं देखने को मिलती। ये काफी डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को कि हाइप बन रखी थी 48 मेगापिक्सल, एंड बजट में इन्होंने 48 मेगापिक्सल तो उठाया है, प्रोसेसर भी उठा दिया। मैं नहीं मानता प्रोसेसर की इतनी बात नहीं थी, चलो 625 भी दे दिया, परफॉर्मेंस लो हुई है, काफी हद तक परफॉर्मेंस को फर्क पड़ा है, बट फिर भी वो प्रोसेसर काफी हद तक अच्छा है, मैं बुरा प्रोसेसर नहीं बोलूंगा, बट 660 के मुकाबले कहीं नहीं स्टैंड करता वो प्रोसेसर। एंड अभी बात करते हैं Redmi Note 7 Pro की। Redmi ने हमेशा ऐसे निकालते हैं, जब 6 निकाला तब भी 6 Pro निकाल दिया, 5 निकाला तब भी 5 Pro निकाल दिया, एंड सेम जब अभी भी यही करने वाले हैं, अभी 7 निकालेंगे साथ में 7 Pro निकालेंगे चाइना से पहले, एंड चाइना वाला वेरियंट अगर इंडिया में आया तो उसका नाम कुछ वो अलग से रखेंगे, नहीं तो उम्मीद नहीं है उसका, क्योंकि अभी तक का Redmi का सबसे महंगा फोन है जो कि हमारा Redmi Note 7 Pro है चाइना वाला, क्योंकि उसमें हमें जो इसका कैमरा मिल रहा है वो डायरेक्टली 48 मेगापिक्सल का है, एंड मैंने आपको बताया भी है उसका जो कैमरा सेंसर है वही हमारे Redmi Note 7 के प्राइस का होगा, मतलब इतना ज्यादा शानदार कैमरा है उसमें, एंड मेरे को नहीं लगता वो इंडिया में आएगा क्योंकि अभी तो चाइना में भी लॉन्च नहीं हुआ, एंड
और जो छोटी छोटी बातें हैं काफी सारी क्लियर निकल के आ रही हैं कि Redmi Note 7 Pro में क्या डालेंगे। जो चाइना वाला ये वाला Redmi Note 7 है वो भी मेरा इंडिया में Redmi Note 7 Pro के नाम से बिकेगा, सेम टू सेम यही डिवाइस, सेम टू सेम यही चीज। यहाँ पे बस Redmi का यहाँ पे एक्चुअली लिख भी नहीं रखा इन्होंने कहीं Redmi Note 7, यही चीज डब्बा बदल के Redmi Note 7 Pro के नाम से बेचेंगे ये लोग, क्योंकि इसमें 660 प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल की सपोर्ट है एंड यही फोन Redmi चाइना वाला Redmi 7 इंडिया में Redmi Note 7 Pro के नाम से बिकेगा। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हूं क्योंकि अभी इसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके नाम के साथ प्रो लग गया है, मतलब कि सीधा इसका प्राइस 14,000 से ऊपर चला गया। एंड Redmi Note 7 में हमें पुराने वाला प्रोसेसर मिलेगा, अगर आप लुक के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो ठीक है, बट मैं थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हूं इस चीज से, क्योंकि मेरी उम्मीद बहुत ही, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि आप यूजर्स को 660 प्रोसेसर मिल जाएगा। एंड पबजी तो आपने मेरे साथ ही खेलनी है, कई लोगों ने बीच में से, तो उन्होंने अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा, 625 प्रोसेसर मिल रहा है। एंड मैं तो अभी ये भी बोल सकता हूं, अगर आप Redmi Note 5 Pro से अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो मत करिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। पर आप लुक के लिए जाओगे तो लुक तो बहुत प्यारी है इसकी, बिल्ड भी बहुत प्यारी है इसकी। तो किसी ने बेंड टेस्ट करा था, एक बंदे ने तोड़ दिया, अभी गुप्ता जी इन्फॉर्मेशन ने इसका बेंड टेस्ट करा था, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, उनसे इसका फ़ोन टूटा नहीं। एंड काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं यार, लोग इसमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस फ़ोन को, बट MI ने अभी ऐसा काम कर रहा है, चाइना में अच्छे स्पेक्स निकाल रहा है सेम प्राइस में, इंडिया में आके वही कम स्पेक्स को कम कर रहा है। अभी मेरे को नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहा है चाइना रेडमी वाले, मैं थोड़ा सा यहाँ से डिसपॉइंटेड हूँ। बाकी आप बताइए आपकी क्या उम्मीदें थी Redmi Note 7 से। एंड 48 मेगापिक्सल अभी आपको नहीं मिलेगा इसमें कैमरा Redmi Note 7 में, वापस बता दूं 48 मेगापिक्सल कैमरा नहीं मिलेगा आपको Redmi Note 7 में, साथ में ही आपको इसमें जो हमारा स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर भी नहीं मिलेगा, वो ये सेम फ़ोन जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, तो जितनी भी मेरी वीडियोज़ आपने देखी है उसके मैं टाइटल चेंज कर दूंगा अभी Redmi Note से 7 Pro पे, क्योंकि इंडिया में अभी ये Redmi Note 7 Pro बन के आएगा। और इसमें मैंने ग्लोबल रोम डाल रखी है, चाइना वाली रोम नहीं है, जितनी मैंने टेस्ट करी है मैंने इसमें ग्लोबल रोम डाल रखी थी सारी, तो ठीक है देखते हैं। आप बताइए, मैं थोड़ा सा भी नाराज हूँ इस चीज़ से, बाकी उन पे है Redmi वालों पे वो क्या करते हैं। एंड सेम चीज़ एक ये भी निकल के आ रही है, एक और फ़ोन भी लॉन्च करेंगे, एक नई सब ब्रांड लॉन्च करेंगे जिसका नाम होएगा Redmi Go। सो Redmi Go एक काफ़ी अभी आप बोल सकते हो सीक्रेट उनकी वो बन रहा है फ़ोन, ज़्यादा हाई एंड फ़ोन या मिड रेंज फ़ोन नहीं होंगे, बहुत ही लो बजट वाले फ़ोन होंगे वो, तो एस्टिमेट उनका 5,000 और 6,000 से नीचे नीचे वो फ़ोन आएगा, 6,000 के नीचे नीचे उसका फ़ोन आएगा। एंड Redmi Go देखते हैं उसमें, आई थिंक हमें 400 प्रोसेसर मिलेगा, मेरे को फुली उसका प्रोसेसर का भी नाम नहीं पता स्नैपड्रैगन कौन सा मिलेगा उस पर, बट ठीक है उस प्राइस में अगर निकाल दें तो बहुत ही ऑसम डील होने वाली है वो एक पॉइंट अच्छा है। एंड अपने ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ हेडसेट भी एक लॉन्च करने वाले हैं ये, उसकी भी एक उम्मीद है, लाइक हेडफोन्स ने अपने सैमसंग ने अपने ईयरपोड्स लॉन्च करे हैं, एप्पल ने अपने ईयरपोड्स लॉन्च करे हैं, तो ऐसे मे बी अभी Xiaomi भी कुछ लॉन्च करने वाला है परसों। 4 डिवाइसेस फुली लॉन्च करने वाला है, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, अपना Redmi Go एंड एक जो उसका मैंने बताया आपको वायरलेस हेडसेट मिलेंगे। एंड हो सकता है वही आपको वायरलेस हेडसेट जो मिलेंगे वही आपको जो लोग Redmi का इवेंट देखने जाएंगे वही उनको गिफ्ट में भी वो दे दें। तो ये थी थोड़ी छोटी बातें, बाकी जब उनका आएगा कंपैरिजन मैं उसको चाइना वाले से Redmi Note 7 इंडिया एंड चाइना वाले से कंपेयर करूंगा, मेरे को पता है बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा, बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा। बट स्टिल चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।